नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। आपको बता दें कि आज मैनपुरी रामपुर खतौली में उपचुनाव था। सुबह 8 बजे से वोटिंग और 6 बजे को शाम को वोटिंग खत्म हो गई थी। आपको बता दें कि कहां कहां पर कितने वोटिंग प्रतिशत पड़े हैं। आपको दिखाते हैं कि मैनपुरी में 51.1% वोट पड़ा है। वहीं आपको बता दें कि मैनपुरी में 51.1% वोट पड़ा है। बता दें कि ये सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई थी, जहां पर आज उपचुनाव हुआ है। यहीं पर अगर बात करें बता दें कि मैनपुरी में सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वोटिंग में मैनपुरी में 51.1% तक वोट हुआ है। वहीं पे रामपुर की बात करें तो 31.22% वोटिंग की गई है रामपुर में उपचुनाव में। आज रामपुर में 31.22% वोटिंग की गई है। आपको बता दें कि इस खतौली पर भी आज उपचुनाव था। बता दें कि वहीं मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव किया गया है, खतौली और रामपुर में विधानसभा उपचुनाव करवाया गया है। खतौली में आज 54.5% वोट हुआ है। आपको बता दें कि खतौली में 54.5% वोट किया गया है, मैनपुरी में 51.1%। वहीं रामपुर में सबसे कम प्रतिशत मिला है, बता दें कि 31.22% रामपुर में वोट किया गया है। बता दें कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार थी, तो वहीं भाजपा से रघुराज सिंह शाक्य थे। आपको बता दें कि अहम मुद्दे यहां पर रहे थे शिक्षा, बेरोजगारी। आपको अगर खतौली की बात करें तो खतौली में विधानसभा उपचुनाव था और वहां पर रालोद और सपा के गठबंधन से मदन भैया उतरे थे। और अगर भाजपा की बात करें तो राजकुमारी सैनी थी। अहम मुद्दे वहां पर शिक्षा और बेरोजगारी थी। अहम मुद्दे मैनपुरी में बात करें तो कानून व्यवस्था, शिक्षा और बेरोजगारी था। वहीं रामपुर की बात करें तो आजम खां की विधायकी जाने के बाद रामपुर में भी उपचुनाव हुआ है। बता दें कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार डिंपल यादव थी, वहीं बीजेपी की तरफ से रघुराज सिंह शाक्य रहे। अहम मुद्दे वहां पर अगर बात की जाए मुद्दों की तो विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी अहम मुद्दे थे वहां पर। और अगर रामपुर की बात करें तो रामपुर में समाजवादी पार्टी की तरफ से आसिम राजा थे। और बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आसिम राजा थे। और वहीं पर बीजेपी की तरफ से आकाश सक्सेना उम्मीदवार थे। बता दें कि रामपुर में आज 31.1% वोटिंग की गई है। बता दें कि सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक वोटिंग जारी थी और सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वोटिंग जारी थी। और उसमें आपको मतदान प्रतिशत दिखा रहे हैं कि शाम 5 बजे तक का। आपको बता दें कि खतौली में 54.5% वोटिंग की गई है, वहीं रामपुर में 31.22% वोटिंग की गई है, मैनपुरी में 51.1% वोटिंग की गई है। मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव हुआ था और खतौली रामपुर सीट पर विधानसभा का चुनाव था, जहां पर खतौली और रामपुर की बात करें तो दोनों की सीटों पर विधायकी रद्द होने के बाद ये उपचुनाव कराया गया था। वहीं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की बात करें तो मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद ये सीट खाली हुई थी, जहां आज उपचुनाव कराया गया है। बता दें कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की बात करें तो डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक शाही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, आज तीनों उपचुनाव का मतदान जारी था और सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक वोटिंग थी। 5 बजे तक अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो लिस्ट आ चुकी है, आपने देखा। कि आज मैनपुरी और रामपुर खतौली में उपचुनाव था, जहां पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वोटिंग थी।
अगर बात करें वोटिंग प्रतिशत की, तो बता दें कि रामपुर में 31.22% वोट हुआ है, खतौली की बात करें तो 54.5% वोट हुआ है। विवेक, देखा जाए तो आज तीनों उपचुनाव में वोटिंग की गई सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वोटिंग लिस्ट आ चुकी है, वोटिंग परसेंटेज आ चुकी है। आपने देखिए नंदनी, मैं आपको बता दूं कि जो तीनों सीटों की जो उपचुनाव है, चाहे मैनपुरी लोकसभा सीट की हो, चाहे खतौली और रामपुर विधानसभा सीट की हो, तो मतदान अब खत्म हो गया है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान का समय था। मतदाताओं ने अपने मतों का उपयोग किया, प्रयोग किया और अपने जो प्रत्याशी है उनके लिए वोट किया। अगर खतौली की बात करें तो सबसे ज़्यादा वोट जो है वहाँ खतौली पे पड़े, जहाँ पे 54.5% की जो है वोटिंग हुई। और रामपुर जो है वोटिंग के मामले में सबसे पीछे रहा इन तीनों सीटों पे, वहाँ पे 31.22% की वोटिंग हुई। ये हम शाम के 5 बजे का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। और जहाँ मैनपुरी की बात करें, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ था, तो 51.1% की वोटिंग मैनपुरी में हुई। अगर उपचुनाव के लिहाज से देखा जाए तो खतौली और मैनपुरी में जो वोटिंग परसेंटेज है वो बुरी नहीं है, वो ठीक ठाक वोटिंग परसेंटेज है। लेकिन जो रामपुर की अगर हम बात करें, क्योंकि वहाँ पे सपा कार्यकर्ताओं ने वोटिंग का बहिष्कार किया था, क्योंकि आजम खान का नाम जो है वोटर लिस्ट से काट दिया गया था, जिसके बाद से हजारों की मात्रा में जो सपा कार्यकर्ता हैं, जो वोटर हैं, उन्होंने इस चुनाव का बहिष्कार किया था, जिसकी वजह से वहाँ के वोट परसेंट में काफ़ी कमी आई है। विवेक, देखा जाए तो सुबह से ही आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे थे, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी कुछ ज़्यादा ही आरोप लगा रही, कभी ईवीएम मशीन खराब है तो कभी पुलिस प्रशासन की बर्बरता। वहीं रामपुर विधायक, पूर्व विधायक की बात करें तो आजम खान ने भी आरोप लगाया है। देखिए, जो ईवीएम की गड़बड़ी की बात है वो बिल्कुल सही बात है। ऐसी कई जगह पे देखा जाए कई भी तो कि ईवीएम पे गड़बड़ी है, जिसकी वजह से काफ़ी समय नुकसान भी हुआ, बाद में उस ईवीएम को बदल के ठीक भी कर लिया गया था। तो ईवीएम की गड़बड़ी की बात जो है, ईवीएम खराब निकले थे, ये बात बिल्कुल सही है। जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप बनते रहते हैं, चुनावी समीकरण है, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे गंभीर आरोप लगाता रहता है, जुबानी जंग भी देखने को मिलती है। पिछले एक हफ्ते से लखनऊ में जो समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है, कई नेता विधायक और प्रवक्ता समेत, तो वो लगातार जो है एक हफ्ते से निर्वाचन आयोग के लखनऊ वाले ऑफिस में पहुंच रहा था, अपना ज्ञापन दे रहा था, अपनी शिकायतें बता रही थी, चाहे वो आजम खान की बात की शिकायत हो कि किस प्रकार से उनको प्रताड़ित कर रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो, फिर जो बर्बरता हो रही है उस पर बात कर रही थी। और तमाम बड़े आरोप जो है समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव ने लगाए हैं कि किस तरीके से जो स्थानीय सीईओ हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं, और जो वोटर हैं उनको गुमराह करने का काम पुलिस द्वारा किया जा रहा है। विवेक, देखा जाए अगर तीनों उपचुनाव की वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो रामपुर में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज आए हैं, तो इसकी क्या वजह मानी जा सकती है? देखिए नंदनी, मैंने आपको पहले ही बताया कि आजम खान का वोटिंग लिस्ट से नाम गायब था, उनको वोट देने से रोक दिया गया था, जिसके विरोध में तमाम सपा कार्यकर्ताओं ने वहाँ के वोटिंग का बहिष्कार किया था, जिसकी वजह से वहाँ की वोटिंग परसेंटेज सिर्फ 31.2% ही हो पाई थी। ये एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि जो उनके स्थानीय नेता हैं, जो कई दशकों से रामपुर से चुन के आ रहे हैं, राम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधि का वोट वहाँ नहीं मिलेगा, जब वो खुद वोट नहीं कर सकता है, तो इसके विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने इस वोटिंग का बहिष्कार किया था, जिसकी वजह से रामपुर का जो वोटिंग प्रतिशत है वो काफी कम हो गया था। नंदनी जी, विवेक, देखा जाए तो तीनों उपचुनाव की वोटिंग परसेंटेज तो साथ में आएगी, 8 दिसंबर को इन तीनों उपचुनाव का रिजल्ट भी आने वाला है। जी बिल्कुल, आज वोटिंग समाप्त हो गई है, सुबह 7 से शाम 6 बजे का समय था, वोटिंग समाप्त हो गई है। अच्छी खासी वोटिंग खतौली और मैनपुरी में देखी गई है, रामपुर इस वोटिंग परसेंट में काफ़ी पिछड़ा हुआ था। अब 8 दिसंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा कि किस करवट जो है ये ऊट बैठेगा, खतौली में किसका प्रत्याशी जीतेगा, भाजपा कहाँ भारी रहेगी, समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बचा पाती है नहीं, ये सारी चीज़ें 8 दिसंबर को क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये बात तो तय है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से सतर्क रही है इन तीनों उपचुनाव में, और जिस तरीके से शासन प्रशासन पर उसने गंभीर आरोप लगाए हैं, और लगातार जो है शिकायतें जो है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, निर्वाचन आयोग के हेडक्वार्टर से लेकर लखनऊ स्थित निर्वाचन आयोग पे उनके कार्यकर्ता, उनके प्रवक्ता जाते रहे हैं, तो वो सरकार पर लगातार
निशाना बनाए हुए थी इस उपचुनाव में, बेहद गंभीर आरोप लगा रहे थे और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का बड़े बड़े आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर समाजवादी पार्टी ने लगाए हैं। जी, अगर विवेक मैनपुरी की बात करें तो क्या लगता है, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह तरीके से देखा गया वहाँ पर आज समाजवादी पार्टी इतनी सक्रिय थी, तो क्या वो जीत कायम रखेगी? देखिए, ये अभी कह पाना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि 51.01% के वोटिंग वहाँ पे हुई और जिस प्रकार से बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं, शिवपाल यादव ने अभी कहा कि ऐसा उपचुनाव उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा है, ऐसा लग रहा है कि जो अधिकारी जो हैं वो वोट मांग रहे हैं सरकार के लिए, वो इस तरह के काम कर रहे हैं, वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं, जो वहाँ के सीएम हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं पर बर्बरता दिखाई जा रही है और वोटर लिस्ट से तो पहले ही वोटरों के नाम गायब करने का आरोप लगा चुकी है और जो वोटर, जो समाजवादी पार्टी का जो वोटर है उसको गुमराह करने का प्रयास कर रही है, इस तरह के तमाम बड़े आरोप। विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।